तो सर इस पैशन का फायदा उठा के कितने लोगों ने आज तक पैसे खाए आपके? कि सर अभी चेक हो रहा है तैयार? अरे बहुत लोगों ने, वो छोड़ो यार। अच्छा, उनको माफ कर दो। मतलब आपकी लिस्ट में भी है ऐसे लोग? अरे क्यों नहीं है, हमें लगा सर हमारे साथ, क्योंकि अल्लाह ने हमें कंपनसेट कर दिया यार। ठीक, वाह वाह वाह, और क्या, कोई बात नहीं, मतलब आगे बढ़े बस। आओ यार आगे बढ़ना, आप रोते रहो फिर पैसे तो मिलने नहीं है। सही सही सर, मशवरा आपको पता है हमारे यहाँ एक कौमी खेल समझा जाता है। किसी ने कोई मशवरा आपको ऐसा दिया हो जिस जो अच्छा भी हो, और जो कोई ऐसा मशवरा आपको याद हो जो आपने कहा यार ये मशवरा मैंने फॉलो कर लिया, फंस गया। नहीं बेटा, मैं तो आप लोगों को खुद मशवरे दे रहा हूं। नहीं, पहले किसी ने कोई मशवरा दिया हो, जावेद सर ने दिया हो और किसी कलीग ने दिया हो, किसी ने यही मशवरा दे दिया, जावेद साहब के मशवरे पे तो मैं कभी अमल नहीं करता। असल में आप दोनों ने एक दूसरे के मशवरे देखे हुए हैं ना। यार कोई ऐसा कोई खास नहीं, बस वालिद की बातें याद आती हैं और वालदा की, कि कभी भी अपने खानदान की और अपने माँ बाप की इज्जत को कभी मट्टी में ना मिलने देना। क्या बात, जबरदस्त। तो कोशिश यही की है, सब सारा कुछ ही किया, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन पता कम ही लगने दिया है। तो सर आपके जो अम्मी अब्बू थे, क्योंकि यहाँ होता ये है कि आप बुरा काम करते हैं और उसकी तशहीर भी करते हैं, कितनी बुरी बात है, सही है। डबल गुनाह मिलता है। आपसे बुरा काम हो गया, आप माफी मांग ले अपने रब से, वो माफ कर दे, उसकी तशहीर तो ना करो। ये सही है क्या? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल सही, ये ज्यादती है। अच्छा सर, तो ये बता, आपके जो अम्मी अबू थे वो खुश थे कि आप ये कर रहे हैं? उनकी वजह से तो मैं हूँ। जब मैं छोटा था, मेरा एक खेल है, उसका नाम है मिर्जा गालिब बंदर रोड पे, उसमें मैं अखबार बेच रहा हूँ, बहुत छोटा हूँ, 69 में रिकॉर्ड हुआ था। तो मेरे वालिद साहब नेवल ऑफिसर थे और डॉक्टर भी थे। सुबह 7 बजे वो दफ्तर जाते थे, सारी रात शूटिंग होती थी, वो मेरे साथ बैठते थे। अरे कसम खुदा की, तो और इससे बड़ी सपोर्ट मिल सकती है? सही बात है, और वो भी उस वक्त में जब सपोर्ट करना और मुश्किल था। अरे यार उस वक्त ना पैसे होते थे ना कुछ होते थे। बात ये है, और वालदा को शौक था फिल्मों का, वाह वाह, तो वो सपोर्ट पूरी थी। वरना तो मेरी दादी मुझे कहती थी ये क्या नाचने गाने पे लगा दिया है। ठीक है, और फिर जब एक ड्रामा था हमारा खुदा की बस्ती, बड़ा खुदा की हिट बस्ती हुआ थी, था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब वो हिट हुआ तो वो फिर बुला रही है अपनी दोस्तों को, मिलवा रही है, ये मेरा पोता है। तो ये मेरे रब की शान है, वो तो इज्जो मंतशा वतु जिल्लो। लेकिन माँ बाप की सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात पे तो पूरा यकीन है सर के, जो है हम माँ बाप की सपोर्ट और माँ बाप की दुआएं। दुआएं बिल्कुल बिल्कुल सही सर। माशाल्लाह शेरोज डूइंग सो वेल। कभी आपके साथ मशवरा होता है इस बारे में कि पापा ये मेरे पास स्क्रिप्ट आई है, मैं करूं या ना करूं? घर में कोई ऐसी डिस्कशन होती? आप कुछ डिस्कस करते हैं अपने काम के हवाले? हाँ कर लेते हैं, वो जरूर करता है मुझसे कि पापा ये करना है क्या करना है, लेकिन वो खुद माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको इतनी समझ दी है कि वो खुद ही डिसीजन, और मैं चाहता हूँ खुद डिसीजन लें, चाहे वो गलत हो चाहे सही। असल में जब तक आप खुद डिसीजन लेंगे ना, आप सीखेंगे नहीं जिंदगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही, ठोकर खा के भी तो सीखता है। सही बात।